स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम के अंदर जो है उसे हम डिफाइन करते हैं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e डिवाइड बाय रो। अब यहाँ पे e जो है वो इलास्टिक मॉडुलस है, यानी कि उसे हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जबकि जो रो है वो हमारे पास डेंसिटी है जिसे हम डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास इनर्शिया को रिस्पॉन्ड करता है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किसी भी मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी और उसके इनर्शिया पे डिपेंड करती है। अब जो सॉलिड्स हैं उसके लिए हमारे उसमें हमेशा जो साउंड है साउंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और गैसेस में जो है वो सबसे कम स्पीड होती है। उसकी वजह यह है कि सॉलिड में जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके क्लोज होंगे, लिक्विड में थोड़ा अवे हो जाते हैं, और गैसेस में जो है वो पार्टिकल्स काफ़ी अवे होते हैं। इस वजह से प्रोपगेशन जो है वो सॉलिड में बहुत तेज़ होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और गैसेज में जो है वो प्रोपगेशन की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी सॉलिड्स और लिक्विड के अकॉर्डिंगली। स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने जो है आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो सजेस्ट किया, और आइसोथर्मल प्रोसेस को सजेस्ट करते हुए यानी कि जी प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो एयर में एक आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू कैरी आउट होती है, कि जी जब साउंड जो है वो एयर में प्रोपगेट करती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग यानी कि टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हुए जो है ना साउंड जो है वो प्रोपगेट करती है। तो इसने जब कैलकुलेशन की तो इसने इलास्टिक मॉडुलस को कैलकुलेट किया जो कि इक्वल आया हमारे पास प्रेशर के, एटमोस्फेरिक प्रेशर के। जब हम जो है जनरल एटमोस्फेरिक प्रेशर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है सब्सिट्यूट करते हैं उसकी वैल्यू, और हवा की जो डेंसिटी है वो सब्सिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की उसके मुताबिक जो रिलेशन आता है स्पीड ऑफ साउंड का 0 सेंटीग्रेड पे वो है जी हमारे पास 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो ये नहीं थी, तकरीबन 50 का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू और न्यूटन्स की कैलकुलेशन में। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर है जी, ये रिजल्ट तो ठीक नहीं है, तो इसको लैपलास जो है वो करेक्ट करता है, और लैपलास ये कहता है कि साउंड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इनफ है, इतनी इनफ है कि जी ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल नहीं हो सकता। आइसोथर्मल जनरली जो है ये स्लो प्रोसेसेस होते हैं, तो फिर ये जो प्रोसेस है प्रोपगेशन ऑफ साउंड का ये लाजमी तौर पर जो है अगर आइसोथर्मल नहीं है तो मे बी ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। लैपलास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए और बॉयज लॉ को यूज करते हुए जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में कैलकुलेशन करता है, तो उसकी कैलकुलेशन में हमारे पास जो इलास्टिक मॉडुलस है वो आता है जी गैमा पी के। यहाँ पे गैमा जो है ये रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट्स की, और इसकी जो वैल्यू है डायटोमिक गैस के लिए वो है जी हमारे पास 1.4। और आप अगेन प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेंसिटी एयर की डेंसिटी लगाते हैं, यूज़ करते हैं जी, तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जो है वो कैलकुलेट करता है एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज़ करते हुए, तो उसका आंसर आता है जी हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जी जो साउंड की जो प्रोपगेशन है एयर में वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है जी, क्या ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है? क्या ये स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू गैमा पी डिवाइड बाय रो, क्या ये इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये पी प्रेशर पर डिपेंड करती हुई नज़र आ रही है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअली जो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो क्योंकि पी और डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर पी बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो प्रेशर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा क्या अगर डेंसिटी जो है वो चेंज की जाए टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हुए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली डेंसिटी को चेंज करने से जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड जो है वो लाजमी तौर पर कम हो जाएगी साउंड की उस मीडियम में से। अब ये जो डेंसिटी है इसमें से जो अहम फैक्टर है वो मास है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो आप इन जनरल वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो डेंसिटी में जो अहम चीज़ जो है जिसमें वेरिएशन हो सकती है वो मास है। मास अगर किसी भी गैस का वो ज़्यादा कर दिया जाएगा, हम हैवी गैस यूज़ कर लेते हैं तो उसमें जो है वो स्पीड जो है साउंड की वो कम होगी, जबकि अगर लाइटर गैस हो तो उसमें जो है वो स्पीड की साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो भी अफेक्ट रखता है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो उसका जो रिलेशन है जो वो हमारे पास जो है वो ऐसा यूनिट्स में जो किसी भी टेम्परेचर टी पे जो स्पीड
है, अगर आप उसकी रेशियो कैलकुलेट करें 0 सेंटीग्रेड पे स्पीड की, तो वो इक्वल आती है टेम्परेचर कैल्विन टेम्परेचर एट, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं जनरली किसी भी कैल्विन टेम्परेचर से और स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, जो इस तरह से हमारा जो रिलेशन जो है वो बन जाता है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस रिलेशन को फर्दर कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो जनरलाइज रिलेशन बनता है सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, वो है जी कि जी किसी भी टेम्परेचर टी पे जो स्पीड है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, वी नॉट यानी कि 0 सेंटीग्रेड पे जो आपके पास स्पीड है प्लस 0.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना चाहते हैं सेंटीग्रेड में, तो आप वो टेम्परेचर जो है उसको 0.61 से मल्टीप्लाई कर दें और उसे ऐड कर दें 332 यानी कि वी नॉट पे, तो हमारे पास जो है वो उस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आ जाएगी। कुछ एमसीक्यूज हैं जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, हमारे पास कुछ मीडियाज दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि जी किस मीडिया के लिए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, पानी के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ग्लास के लिए और लेड के लिए। लाजमी तौर पर सॉलिड्स में स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए ए और बी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, ग्लास और लेड की जो ऑप्शन है वो पॉसिबल है, लेकिन ग्लास जो है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेड जो है उसमें सबसे कम होती है। हमारे पास एक टेबल गिवन है, आपने उनमें जो याद रखने वाली बात है वो सबसे अहम जो आपने याद रखना होता है वो ये है कि जी इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा जो टेबल है वो अपने जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द डैश ऑफ गैस इज इक्वल टू इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि मॉडुलस इलास्टिसिटी के इक्वल होगी, ये न्यूटन ने कैलकुलेट की थी, और ये सी ऑप्शन जो है प्रेशर के इक्वल होती है, तो जी सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो ठीक है।